लखनऊ में जीपीओ के मशहूर दही बड़े की दुकान काफी लोकप्रिय है। 18 साल पुरानी इस दुकान पर लोग दूर दूर से दही बड़े का स्वाद लेने आते हैं। यहाँ के समोसे भी लोगों को काफी पसंद आते हैं। राघवेंद्र जी, ये बताइए, ये दुकान आपकी जो है जीपीओ के मशहूर दही बड़े, ये कितनी पुरानी है? 18 साल हो गए। किसने शुरू की थी दुकान? ससुर जी ने। आपके ससुर जी ने शुरू की थी? अरे वाह जमाई साहब, आपको तो बड़ी अच्छी विरासत मिल गई। ससुर जी का नाम बताइए। सूरपाल सिंह। सूरपाल सिंह, ये आपके जो दही बड़े हैं इनकी क्या खासियत है? ये दही बड़े हमारे मीठे हैं, काफी लजीज है। अच्छा, मीठे और ठंडे। तो बाकी जो दही बड़ा मिलता है, दही बड़ा होता है, इसमें क्या खास है? वो तो हम भी खा के देखेंगे, दोबारा जरूर लौट के आएगा। लेकिन जो बाजार का दही बड़ा है और आपका दही बड़ा है, इसमें क्या फर्क है? इसमें प्योरिटी की है। क्या बनाने की कुछ प्रक्रिया में फर्क है? दही कुछ अलग, अलग से है। दही में क्या अलग होता है? दही में अलग होता है, जब दही बनता है उसको लगभग में 1-1.5 घंटा टांग दिया जाता है कपड़े में, इससे उसका सारा खट्टापन चक्के जैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। आप लोग कब से काम कर रहे हैं यहाँ? हमको सर होगा कम से कम 10 साल हो गए सर। अरे बहुत पुराने लोग हैं। तो आप सबको ये प्रक्रिया दही बड़ा बनाने की मालूम पड़ गई है? हम तो बनाते हैं 10 साल से। अच्छा, और खूब शाम को तो आए तो मिले ही नहीं कल दही बड़े हमके। प्रमोद जी, आप कब से हैं यहाँ? हमको भी 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अच्छा, तो क्या खासियत है यहाँ के दही बड़े की? दही बड़े खाते दही में तो है ठंडा दही बड़ा। अच्छा, चलिए तो हम भी इसका स्वाद का आनंद लेके जरा देखते हैं। बिल्कुल, ऐसा तो हमको खिलाइएगा फिर हम खाएंगे। ये जो दही बड़ा है जीपीओ का मशहूर, इसका हमने खा के भी लुत्फ लिया। अभी वाकई लाजवाब है, ऐसा दही बड़ा अभी तक कहीं खाया नहीं है। जितना तारीफ सुनी थी उतना ही स्वादिष्ट है, मीठा है। हम इंदौर से हैं और इंदौर खाने पीने वालों का शहर है। इंदौर में भी खान पान की बहुत दुकानें हैं। तो इंदौर में एक जोशी का दही बड़ा है, वो भी बहुत अच्छा दही बड़ा बनाते हैं और दही ऐसा हवा में उछालते हैं। एक वो दही बड़ा हमने खाया है और एक ये है, वाकई बहुत स्वादिष्ट है। और मैं चाहूंगा कि जो इंदौर के दही बड़े के शौकीन लोग हैं और जोशी का दही बड़ा बहुत पसंद करते हैं, उनको लखनऊ आकर एक बार जीपीओ के दही बड़े का आनंद भी लेना चाहिए। दही बड़े के साथ ही यहाँ का दही समोसा भी उतना ही मशहूर है। मैंने दही समोसे का भी आनंद लेकर देखा, वाकई उतना ही स्वादिष्ट समोसा भी है यहाँ पर। और वही जो इनका ठंडा मीठा दही है ताजा, उसके साथ इन्होंने दिया। और इन्होंने बताया कि अभी लगभग 80 से 100 किलो दही इनका खपत होती है। लेकिन जब पीक टाइम होता है, जब अभी कह रहे हैं चुनाव की वजह से इसकी वजह से भीड़ कम है, लेकिन जब भीड़ होती है और इनकी जो दुकान पुराने स्थान पर थी जीपीओ में, तो 4 से 5 क्विंटल यानी कि 400-500 किलो दही एक दिन में खपत होती थी। इससे लखनऊ के लोगों की और लखनऊ आने वाले लोगों की यहाँ के दही बड़े और दही समोसे को लेकर जो दीवानगी है, उसका अंदाजा आप अपने आप ही लगा सकते हैं। ये दुकान तो आपकी पहले उधर हुआ करती थी, तो इधर क्यों आ गई दुकान? वहां से तोड़ दी थी, तो अतिक्रमण था? सही नहीं, अतिक्रमण था, नगर महापालिका पे वहाँ भीड़ रहे, उसके पेड़ में तोड़ दी गई। अच्छा, फिर वहाँ पे हम लोग यहाँ दुकान मिल गई, तो हम लोग यहाँ चेप्ट हो गए वहाँ जाने के लिए। राघवेंद्र जी धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके दही बड़े का लिए लुत्फ ऐसे ही बना रहे।